नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे आगे खड़ा हूँ। ये बिल्डिंग नहीं है कोई, ये किसी का जो है निजी भवन नहीं है ये, बल्कि सरकारी स्कूल है मधेपुर प्रखंड में, महासिंह हसोली पंचायत में, बेहरा गाँव में। जैसे कि स्कूल का नाम भी है, ऊपर लिखा हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेहरा प्रखंड मधेपुर जिला मधुबनी। ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा पेंटिंग किया गया है यहाँ पे। मुझे पता नहीं है कि कितने दिनों में ये पेंटिंग किया गया है, लेकिन पेंटिंग से मैं देख सकता हूँ कि 10 से 12 दिन ज़रूर लगा होगा पेंटर को पेंटिंग करने में। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये ट्रेन का जो है ड्राइंग बनाया गया है, ट्रेन बनाया गया है पूर्वी मध्य रेल। ये ट्रेन जो बनाया गया है, ये ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। ये बनाया गया है ताकि बच्चे में जो है उत्साह हो पढ़ने का, उमंग हो पढ़ने का, बच्चे पढ़ने आए और इनसे एक्सपीरियंस हो करके वो भी ड्राइंग बनाए, वो भी कॉपी पे ड्राइंग बनाए विभिन्न विभिन्न प्रकार के। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है एनिमल्स का ड्राइंग भी बनाया गया है, जिसे हम जंगलों का राजा कहते हैं बाघ। ये बाघ का भी चित्र बनाया गया है यहाँ पे। और ये भी यहाँ पे बताया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी लिखा गया है इस ट्रेन पे। ये ट्रेन का विंडो हो गया, ये गेट हो गया, ऐसे प्रकार के बनाया गया। पीछे जो है उस दीवार पे आप देख सकते हैं तो वो बस बनाया गया है, बस है। और ट्रेन नंबर भी दिया गया है, देखिए अच्छी बात यह है कि ट्रेन नंबर भी दिया गया 15860 राजधानी एक्सप्रेस का ये नंबर है, देख सकते हैं। पॉज कीजिए एक मिनट। ये चाचा हैं हमारे साथ, हम चाचा जी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैंने अभी स्कूल दिखाया है, मैं अपने दर्शकों को ये बताए कि ये स्कूल का जो पेंटिंग किसने किया और कितने दिन में किया गया है। उस 10 से 12 दिन किया, वो झंझारपुर का कारीगर थे। अच्छा। और हम लोग अपना हाथ से भी अलग कलर किए हैं। अच्छा। हम लोग तीन आदमी, हम लोग भी थे तीन आदमी, वो लोग भी थे। अच्छा, झंझारपुर का पेंटर थे। हाँ, और ये वाली क्यों नहीं बनाया गया, ये वाली जो इधर कैमरा मैन थोड़ा दिखाएंगे। ये टूटा हुआ है सर, ये तो आप पूछिए टूटेगा ही। अच्छा, ये टूटेगा जी। अच्छा अच्छा जी, टूट के फिर नया बनेगा सर। नया बनेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखते हैं और अंदर भी दिखाते हैं आपको, पहुँच कीजिए जी। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर स्वच्छ भारत का जो है ध्यान वो भी रखा गया है। ये टॉयलेट बनाया गया है यहाँ पे, टॉयलेट बच्चे लोगों के लिए, टॉयलेट यूज करें बच्चे और गांव घर में जो है स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, ये बिल्कुल ध्यान रखा गया है इस स्कूल में। तो मैं इनसे बहुत खुश हूँ। ऊपर आ रहा हूँ, देखिए दूसरी मंजिल है ये, मैं इस पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं ये ऊपर का बिल्डिंग है, ये अभी काम चल ही रहा है इस यहाँ पे, इसलिए थोड़ा बहुत। ये ऊपर में ही टॉयलेट बनाया गया है, ऊपर में भी टॉयलेट बनाया गया है। यहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट है, देख लीजिए, इंग्लिश और प्लस इंडियन दोनों है, यहाँ पे दोनों टॉयलेट बनाया गया है। और ऊपर का ये बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार का कमल फूल बनाया गया, ये कमल फूल है ये देखिए। और यहाँ पे बत्तख उत्तख का भी ड्राइंग बनाया गया है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, ताकि बच्चे में उत्साह हो पढ़ने का, जोश आए, बच्चे पढ़े और ड्राइंग भी बनाए बच्चे सब, देखिए। ठीक है, ये देख लीजिए। मैं यहाँ से आप लोगों को बेहरा गांव भी दिखाने का प्रयास करूँगा, बेहरा गांव। ये कैमरामैन को कहूँगा मैं दिखाने के लिए, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। बाढ़ का मौसम भी, अभी बाढ़ है, चारों तरफ पानी है, तो भी यहाँ पर स्थिति ठीक ठाक है। ये जो आप देख रहे हैं ये नदी का ही है पानी है, देख सकते हैं पूरा गांव एकदम, बहुत अच्छा ही नज़ारा है। यहाँ पे एक अच्छी बात और है कि ये चित्र है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो अशोक काल का ही है, ये अशोक काल में ये चित्र जो है अशोक। जैसे कि दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं फ्लैग है, फ्लैग के बगल में महात्मा गांधी जी है। यहाँ पे जो है 7 सामाजिक पाप कर्म लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन,
विवेक के बिना सुख और चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार और मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा, ये सात जो है पाप कर्म लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी के नीचे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं।